हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोहर झा विथ यू। दिस इज मी मनोहर झा। आज के इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करने वाला हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को चेक करिएगा, मैं यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में बजाज फाइनेंस वाले वीडियोज की बात कर रहा हूँ। एक वीडियो था नो अबाउट बजाज फाइनेंस, जिसपे 1.1 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं और अभी भी व्यूज आ रहे हैं। उसके बाद मैंने बनाया बजाज के ऊपर, जैसे आप वन प्लस या रियलमी रेडमी जो कि ऑनलाइन के मॉडल होते हैं, या मोटरोला आईफोन, तो अब ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूटरशिप होने के कारण, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होने के कारण अब आईफोन आपको एप्पल के मॉडल डिजिटली फाइनेंस नहीं होता, तो वो भी मैंने बनाया वीडियो में। जो भी ऑनलाइन के मॉडल रहते थे, मोटरोला वगैरह, आईक्यू वगैरह, उसकी बात किया था। उसके बाद मैंने बनाया जो बजाज से लिया हुआ फ़ोन आप वापस कर सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। जो भी लोग, पहले सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, वीडियो को आपको कम्प्लीटली वॉच करना। मैं ऐसी जानकारी आज देने वाला हूँ जो पूरे YouTube पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ, जो बजाज फाइनेंस से जब आप फ़ोन लेते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, कैसे आपका लोन अप्रूवल होगा। वो सारी चीज़ें होने के बाद आप मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए 30,000 का मॉडल लेने के लिए गए और वहां पे आपका अप्रूवल आया 20,000, तो 10,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट देने होंगे। और जो भी स्कीम वगैरह रहते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फाइनेंस होता है। तब बात आती है आधार, पेन, बैंक डिटेल देने के बाद ई मैंडेट का। तो बहुत सारे लोगों का क्या पहले दिक्कतें होती थी, जो जब वो फ़ोन फाइनेंस करा लेते थे तो फ़ोन फाइनेंस कराने के बाद ई मैंडेट होता था। बहुत सारे लोगों का ई मैंडेट होता था, बहुत सारे लोगों का ई मैंडेट नहीं होता था। ई मैंडेट का क्या है? ऑटो डेबिट। जो भी आपके ईएमआई बने हैं, जितने भी टेन्योर के, जितने भी मंथ्स के, आपके हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होते थे, वो कटते थे। तो पहले क्या होता था, नैच फॉर्म निकाल के आपको फिजिकली साइन वगैरह होता था, तो बहुत सारे लोगों का साइन मिसमैच होने के कारण वो ऑटो डेबिट इनेबल नहीं हो पाते थे, ई मैंडेट सक्सेसफुली नहीं हो पाते थे, जिस वजह से उनका बैंक से पैसा नहीं कटता था, तो बाउंस हो जाता था। तो बाउंस होने के बाद आपका सिबिल डाउन होता था। सिबिल जब खत्म खराब होगी तो अगले बार जब आप फ़ोन लीजिएगा तो हो सकता है फ़ोन फाइनेंस भी नहीं हो। और बजाज के जो भी पेनल्टी होते थे आपको बाउंस होने के, 450, फिर बैंक भी आपसे चार्ज करते थे 200-300 रुपया, बैंक का अलग होता था और बजाज 475 प्लस GST वो लेते थे। तो ई मैंडेट का एक बेहतरीन ऑप्शन आया है, बेहतरीन उन लोगों के लिए, क्योंकि अब आजकल सारे लोग UPI यूज करते हैं। तो जब सारी चीजें हो जाएगी, जो भी प्रोसीजर होगा आपका, जब DO प्रिपरेशन हो जाएगा, जो कितने का मॉडल लिया है आपने, कौन सा मॉडल लिया है, कितने महीने का EMI बना है, तो लास्ट में ई मैंडेट का जब प्रोसेस होगा तो एक लिंक जनरेट करके आपके फोन पे जाएगा। वो जो लड़के रहते हैं बजाज के, वो करेंगे। उसके बाद वो लिंक जनरेट होने के बाद वहां पे UPI के थ्रू आपका ई मैंडेट प्रोसेस होगा। तो इसका एक और भी तरीके हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं बजाज फाइनेंस से ई मैंडेट UPI के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं वही मैं बता रहा हूं आपको। तो UPI के थ्रू आपका ई मैंडेट कराया जाएगा, लिंक के थ्रू UPI ID लेके। जब UPI ID से आपका ई मैंडेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो होने के बाद आपका बहुत जल्द ई मैंडेट प्रोसेस भी सक्सेसफुली हो जाएगा। और जैसे हर 2 तारीख को जब बजाज का पैसा काटा जाता है आपके अकाउंट से, डेबिट होता है, तो वो एक अच्छे टाइम पे डेबिट भी हो जाएगा और आपका सिविल भी बचेगा। अगर इन केस नहीं होता, मान लीजिए नहीं हो पाता ई मैंडेट इन केस इन फ्यूचर, तो जो बजाज का बाउंस चार्ज होता था वही सिर्फ लगेंगे, बैंक का चार्ज आपको नहीं लगेगा। ये एक ऑप्शन अच्छा है और ये ऑफर भी इसके साथ अच्छा है। यही है, और कुछ और भी फीचर्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो अब आप बजाज में UPI के थ्रू ई मैंडेट कर सकते हैं और ये सारी चीजें आपको जो बजाज के लड़के रहते हैं ऑफलाइन स्टोर में, वो सब कुछ कर देंगे। बस आप बता दीजिएगा UPI के थ्रू मुझे ई मैंडेट करना है। आज के लिए बस इतना ही। बजाज से जुड़ी हुई और भी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जब भी लाऊंगा बजाज में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जो भी फाइनेंस से पे फोन लेते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। तो थैंक यू।